आज सुबह एक डॉक्टर आई थी, मतलब बुर्का पहन कर थे वो, और उन्होंने एप्रन वगैरह सब पहना था। तो मुझे उसके ऊपर संशय हुआ, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर लोग एप्रन वगैरह पहनते हैं, लेकिन बुर्का वगैरह पहन के अलाउड नहीं है पेशेंट के पास जाना। सब वो पहन कर थे, तो उनका मैंने पूछ पाछ किया, तो आइडेंटिटी कार्ड वगैरह मांगा, तो उनने बोले कि मैं फ्रेंड को मंगाती हूँ, ऐसे बोले। तो फिर मैं बोले ठीक है, मंगा, उनको बैठा ले एक जगह। तो फिर वो इधर उधर भागने लगे, तो हमको उनके ऊपर शक हुआ। और उसके बाद में हमने अपने सुपरवाइज़र कदम सर को कॉल किया और की घटना की जानकारी दी सब, और हमने भी पुलिस चौकी में उनको लाकर आगे की कार्रवाई की। शौक लगे कि भुरके के पीछे कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। उनको जब हमने भुरका खोलने बोले तो बोले नहीं, हमारे इसमें भुरका नहीं खोलते हैं, सब जेंट्स लोग हैं, मैं यहाँ पर भुरका नहीं खोल सकते। और फिर हम एक रूम में लेकर गए उनको भुरका खोलने बोले, तो बोले कि मुझे बचा लो, मैं लेडीज़ नहीं हूँ, मैं जेंट्स हूँ, मुझे बस ऐसे लड़के लोग को नंबर देना, उनसे बात करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही घूमती हूँ इधर, और मुझे मेरा अच्छा लगता है। मुझे पहले तो मुझे हमको बताया कि लता हॉस्पिटल में मैं इंटर्न हूँ, ऐसे बोल रहे थे। जब हमने जानकारी ली तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस उनको ऐसे लड़के लोग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है वो। पहले तो क्या नाम बताया था लड़की उनको, का नाम आयशा सिद्दीकी बताया था। आयशा बताया था, लेकिन जब उनको आइडेंटिटी कार्ड वगैरह, आधार कार्ड वगैरह जो भी मिला उनके पास डॉक्यूमेंट्स, तो उसके पास जावेद नाम था उसका, जावेद शेख। जावेद शेख लड़के का नाम था उनका। आते से बच्चों वगैरह की भी चोरी हो सकती है मेयो हॉस्पिटल में। इसके पहले भी एक सिस्टर मिली थी ऐसे ही, ज़्यादातर भुरके का यूज़ करके लोग ऐसे गलत काम करते। मेरा नाम संतोषी उइके है और मैं मेयो इंदिरा गांधी हॉस्पिटल यहाँ पे कार्यरत हूँ, महिला सुरक्षा रक्षक।